హలో, గుడ్ ఈవినింగ్. తో లాస్ట్ క్లాస్ మే హమ్ లోగో నే కరా థా అండర్ రైటింగ్ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్స్, కరెక్ట్? తో ఆజ్ హమ్ క్యా కరెంగే, లేకిన్ జో కరెంగే ఉస్కో కర్నే సే పహలే యే బతాఓ, కిసీ క్వశ్చన్ మే ఆప్కో ప్రాబ్లమ్ తో నహీ హై? కుచ్ క్వశ్చన్స్ మే అగర్ ఆప్కో ప్రాబ్లమ్ హై తో వన్ బై వన్ హమ్ ఉన్కా సాల్యూషన్ యహాన్ కర్తే రహెంగే. You need not require to worry on that count. Lekin aaj hum jo chapter pehle start karenge, wo ab hum lenge branch accounts, correct? Branch account aapki book mein hai page number 63 par. Page number 63. Branch account jo hai, kai logo ne isse pehle BCom first year mein bhi padha hua hai, aur कुछ लोगों ने शायद अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा तो हुआ ही है, और कुछ लोगों ने मेरे ख्याल से 11, 12th में कुछ स्टेट बोर्ड्स में भी ब्रांच अकाउंट्स है, तो कुछ लोगों ने वहां पर भी इसको पढ़ा होगा. ब्रांच अकाउंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम चैप्टर है. हालांकि हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, किसी भी चैप्टर का सिग्निफिकेंस हमने कम करना नहीं है. ये मैंने पहले भी बोला है और कई बार बोला है, करेक्ट? ब्रांच अकाउंट प्रीटी लॉन्ग चैप्टर है, तो पहले हम जरा लॉन्ग चैप्टर्स को हम लेंगे. पहले ब्रांच अकाउंट्स लेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंटल लेंगे, और उसके बाद फिर हम शायद पार्टनरशिप करेंगे. अब ब्रांच अकाउंट्स, वैसे तो मोस्टली चीजें तुम्हें मालूम है इसके बारे में, लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट्री व्यू हम पहले देखेंगे और फिर धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे, करेक्ट? तो आइए फिर ब्रांच अकाउंट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ब्रांच अकाउंट्स में आपको यह मालूम होना चाहिए कि ब्रांचेस हम क्यों ओपन करते हैं. यस, व्हाई एन एंटरप्राइज ओपन्स इट्स ब्रांचेस. यस, वेरी गुड. ब्रांचेस हम इसलिए ओपन करते हैं बिकॉज वी इंटेंड टू कैप्चर ए लार्ज शेयर ऑफ मार्केट, करेक्ट? जैसे आर्चीज कार्ड्स है, ऑलमोस्ट कंट्री के हर शहर में इसके एक ब्रांच है. इज इट क्लियर टू यू? तो ब्रांचेस ओपन करने का बेसिक इंटेंशन, बेसिक एम क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, वी वांट टू कैप्चर ए लार्ज शेयर ऑफ मार्केट, ए लार्ज क्लाइंटेल. तो लार्ज शेयर ऑफ मार्केट जब हम कैप्चर करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे प्रॉफिट ज्यादा होंगे, हमारी सेल ज्यादा होगी, हमारे प्रॉफिट ज्यादा होंगे. इजंट इट और नॉट? तो स्टार्ट करते हैं. ब्रांच अकाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं है, लेकिन लॉन्ग जरूर है. ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि ब्रांचेस क्यों खोली जाती हैं. थोड़े से हम एलिमेंट्री चीजें पहले लेंगे. ब्रांच अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स में सबसे पहले मैंने लिखा और आप भी लिखना शुरू करें मेरे साथ साथ एक रजिस्टर लेकर के, ग्रेट? तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि व्हाई वी ओपन ब्रांचेस, ब्रांचेस आर ओपन्ड by an enterprise to capture wider markets. तो branches हम क्यों खोलते हैं? In order to capture wider markets. Now next thing is, why branch accounting is needed? बड़ा सिंपल सी चीज है कि ब्रांच अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है. भाई अगर हमारी ब्रांचेस होंगी तो हम इस बात में इंटरेस्ट रखेंगे कि कौन सी ब्रांच है वो जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, कौन सी ब्रांच है लॉस में जा रही है. तो ब्रांच अकाउंट की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है बिकॉज वी वांट टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांचेस. इजंट इट और नॉट? सो ब्रांच अकाउंटिंग
is branch accounting is adopted by enterprises to assess the performance of the branch, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि बड़ा स्लो स्लो लिखना पड़ रहा है. एक्चुअली जिस टाइम पर आपकी क्लास ये ली जा रही है, दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड है. इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, वेरी चिली आउट देयर, बाइटिंग कोल्ड ऑलमोस्ट. वेरी हार्ड टू फेस द ऑनस्लॉट ऑफ द विंटर. एनीवे, तो ब्रांच अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड बाय एंटरप्राइजेस टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांचेस. ये देखने के बाद अब हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ब्रांचेस कितनी टाइप्स की होती हैं. टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, टाइप्स. ब्रांचेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, जैसा कि आप सबको ऑलरेडी मालूम है, ब्रांचेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ब्रांच की? एक तो होती हैं फॉरेन ब्रांचेस और एक होती हैं डोमेस्टिक ब्रांचेस. इजंट इट और नॉट सर? ये तो हमने पढ़ा हुआ है. हां बेटे, मेरे को भी मालूम है कि आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हमें प्रीव्यू तो करना ही पड़ेगा. डोमेस्टिक ब्रांचेस एंड फॉरेन ब्रांचेस. डोमेस्टिक ब्रांचेस. हालांकि तुम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि डोमेस्टिक ब्रांचेस कौन सी होती हैं और फॉरेन ब्रांचेस कौन सी होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा हम बिल्कुल जमीन के नीचे से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्क्रेचेस से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे. करेक्ट? तो सभी को मालूम है कि डोमेस्टिक ब्रांचेस कौन सी होती हैं और फॉरेन ब्रांचेस कौन सी होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया. Such branches whose area of operations are confined का मतलब होता है सीमित, limited, confined to the domestic territories of the nation, to the domestic territories of the nation. Categorized as domestic branches. उनको domestic branches कहते हैं. On the other hand, On
دی ادر ہینڈ برانچز which are located abroad, which are located abroad, are foreign branches. Categorized as foreign branches. یہ چیزیں بیسیکلی آپ کو معلوم ہیں, یہ مجھے بھی معلوم ہے, کریکٹ؟ تو برانچز بیسیکلی دو ٹائپس کی ہوتی ہیں, ڈومیسٹک برانچز اینڈ فارن برانچز. اب پہلے ہم اینالائز کریں گے ڈومیسٹک برانچز کو, کریکٹ؟ جو ڈومیسٹک برانچز ہوتی ہیں دے آر فردر کلاسیفائڈ ان ٹو ٹو ٹائپس ایز یو نو. جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے کی کلاسز میں پڑھا ہے کہ جو ڈومیسٹک برانچز ہوتی ہیں وہ ٹو ٹائپس کی ہوتی ہیں. ایک تو کون سی ٹائپ کی برانچ ہوتی ہے؟ انڈیپینڈنٹ برانچ, اور ایک ہوتی ہے ڈیپینڈنٹ برانچ. تو پہلے ہم ڈومیسٹک برانچز کا پارٹ لیں گے, اور فارن برانچز کا پارٹ جو ہے ہم اے ایس 11 کے ساتھ کریں گے, کریکٹ؟ Domestic branches are further, domestic branches are further classified into A, dependent branches, and independent branches. Independent branches. Correct. Domestic branches are further classified into dependent branches and independent branches. اب جو dependent branches ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ Dependent branches. Dependent branches. نام سے ہی پتا لگ رہا ہے کہ dependent branches کیا ہوتی ہیں. Dependent branches کا مطلب ہے کہ ایسی branches جو completely head office پر depend کرتی ہیں. These branches completely depend upon head office. Correct? As the name suggests. These branches completely depend upon head office. What does it signifies? یہ کیا شو کرتا ہے؟ ڈیپینڈنس کا یہاں مطلب یہ ہے کہ برانچ کو جتنے بھی گڈس چاہیے وہ ہیڈ آفس سپلائی کرے گا. از اٹ کلیئر ٹو یو؟ برانچ کو جتنے بھی گڈس چاہیے وہ ہیڈ آفس سپلائی کرے گا, برانچ اپنی طرف سے کوئی بھی گڈس نہیں خریدے گی. اسی طریقے سے برانچ سے سمبندھت جتنے بھی خرچے ہوں گے اس کے لیے کیش ہیڈ آفس بھیجے گا, برانچ اپنی طرف سے کوئی بھی خرچہ نہیں کرے گا. کوئی پرابلم تو نہیں؟ اسی طریقے سے برانچ سے ریلیٹڈ جتنی بھی پالیسیز ہوں گی, گائیڈ لائنز ہوں گی, وہ ہیڈ آفس بنائے گا, برانچ اپنی طرف سے کسی بھی طریقے کی کوئی پالیسی فریم نہیں کرے گی. اس کا مطلب سمپل ورڈز میں برانچ جو ہے سب آرڈینیٹ کا کام کرے گی, کریکٹ؟
हेड ऑफिस ऑर्डर्स देगा एंड ब्रांच विल हैव टू फॉलो सच ऑर्डर्स. तो डिपेंडेंट ब्रांचेस में ब्रांच इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हेड ऑफिस, और कंप्लीट डिपेंडेंस अपॉन हेड ऑफिस व्हाट डज इट सिग्निफाइज? इट सिग्निफाइज दैट ऑल द गुड्स रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रांच शैल बी मेट बाय हेड ऑफिस. सिमिलरली ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच शैल बी मेट बाय हेड ऑफिस. इट ऑल्सो मीन्स ऑल rest in the hands of the head office. Branch is not allowed to take any independent what we call decision. Branch is just expected to execute and plan out the policies given to it by head office. Is it clear to you? So dependent branches ka basically matlab ye ho gaya ki branch jo hai completely head office pe depend karti hai. Yahan tak theek? Dependent branches. So dependent branches जरा हम देखें. डिपेंडेंट ब्रांचेस, डिपेंडेंट ब्रांचेस एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, as the name suggests, these branches are completely dependent upon head office. Dependent upon head office, completely dependent upon head office, complete dependence, complete dependence signifies that all goods requirement of the branch shall be met by head office. ब्रांच को जितने भी गुड्स चाहिए वो गुड्स ब्रांच को हेड ऑफिस भेजेगा. ब्रांच अपनी तरफ से कोई भी गुड्स नहीं खरीदेगी. करेक्ट? कंप्लीट डिपेंडेंस का हम मीनिंग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच ऑफिस shall be met by head office. ब्रांच के जितने भी खर्चे हैं उसके लिए कैश हेड ऑफिस भेजेगा. ब्रांच अपनी तरफ से किसी तरीके का कोई भी खर्चा नहीं करेगी. करेक्ट? All policy decisions shall vest in the hands of the head office. In the hands of the head office.
इसका मतलब है कि ब्रांच से संबंधित जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो हेड ऑफिस बनाएगा, ब्रांच अपनी तरह से किसी भी तरह की कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी। ब्रांच का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब्रांच का काम यह है कि जो भी इसको पॉलिसीज और डायरेक्शन दी जा रही हैं उन डायरेक्शन का और पॉलिसी का अच्छी तरह से पालन करे, उनको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करे और ज्यादा से ज्यादा सेल करे, ज्यादा से ज्यादा कैश कलेक्ट करे और हेड ऑफिस को भेजे। करेक्ट। ब्रांच मैनेजर इज जस्ट एक्सपेक्टेड टू, ब्रांच मैनेजर is just expected to execute the various policies forward it to it, by head office. Yes. तो ब्रांच मैनेजर का बेसिकली काम क्या है कि जो भी उसको पॉलिसीज हेड ऑफिस फॉरवर्ड कर रहा है उन पॉलिसीज को वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करे, करेक्ट, टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। यहां तक जो मैंने चीजें बताई हैं वो भी तुम्हें मोस्टली मालूम है, आई नो, लेकिन अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा हायर लेवल की तरफ मूव करेंगे। ये सिर्फ एक एलिमेंट्री पार्ट है। अब उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद हमने देखना है अकाउंटिंग सिस्टम्स अंडर डिपेंडेंट ब्रांचेस, अकाउंटिंग सिस्टम्स अंडर डिपेंडेंट ब्रांचेस। अब डिपेंडेंट ब्रांचेस में कौन कौन से अकाउंटिंग सिस्टम देखने में आते हैं अंडर डिपेंडेंट ब्रांचेस, तो डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर कई तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम देखने में आते हैं और उन सिस्टम में से कुछ सिस्टम के बारे में आपने पहले भी सुना हुआ है, करेक्ट। Following accounting systems exist under dependent branches. अब dependent branches के अंदर कौन कौन से accounting system देखने में आते हैं। एक तो होता है डेटर सिस्टम, यू मस्ट हैव हैड हर्ड अबाउट इट। एक तो होता है डेटर सिस्टम, करेक्ट, डेटर सिस्टम के बाद फिर होता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। जिन लोगों ने बीकॉम में पढ़ा हुआ है ब्रांच, उन्होंने इन सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और फिर से होलसेल ब्रांच सिस्टम।
तो ये सिस्टम्स डिपेंडेंट ब्रांचेस में देखने में आते हैं, करेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये हो जाता है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि इतने सारे अकाउंटिंग सिस्टम की पहले तो जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों नहीं एक ही सिस्टम से हम अपने प्रॉफिट को निकाल लें। देखो, ट्रेन से जब आप ट्रेवल करते हैं तो उसमें कई क्लासेस होती हैं, जनरल क्लास है, सेकंड टायर है, एसी क्लास है। ये क्लासेस क्यों बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं? ताकि हर आदमी की अफोर्डेबिलिटी जो है, हर आदमी की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ट्रेवल पॉसिबल हो सके। अगर मेरी अफोर्डेबिलिटी एसी क्लास में जाने की नहीं है तो मैं कौन सी क्लास में ट्रेवल करूंगा, मैं जनरल में करूंगा या सेकंड टायर में करूंगा, इजंट इट और नॉट? नाउ द सेम पॉइंट इज हियर, हर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप का होता है। कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, किसी की अफोर्डेबिलिटी ज्यादा होगी, किसी की अफोर्डेबिलिटी कम होगी। तो अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ये सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं। हम बाद में देखेंगे कि डेटर सिस्टम वो ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशंस बहुत छोटा होता है। यहां तक भी हमने बीकॉम में शायद थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है, लेकिन जो थोड़ा सा डीपर चीजें हैं वो हमने बीकॉम में नहीं पढ़ी होती। जैसे कई लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि डेटर सिस्टम जो है वो बेसिकली इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। ये एक इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। ये क्यों इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है? क्योंकि इस सिस्टम में सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होगी और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड केवल एक ब्रांच अकाउंट बनाता है और एक डेटर अकाउंट बनाता है। इसका मतलब जो रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स, बाकी रियल और नॉमिनल अकाउंट्स नहीं बनाए जाते। तो ये बेसिकली इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। सिमिलरली कुछ इन सिस्टम्स के बारे में भी तुम्हें मालूम होना चाहिए, करेक्ट। तो धीरे धीरे वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम एनालाइज करेंगे किसको, डेटर सिस्टम को। डेटर सिस्टम, डेटर सिस्टम, अब डेटर सिस्टम के बारे में आपको क्या मालूम होना चाहिए, पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है। डेटर सिस्टम के बारे में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, करेक्ट। डेटर सिस्टम के बारे में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? डेटर सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा, इज पार्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस। ये तो तुम्हें मालूम ही है कि इट इज ए पार्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस, इजंट इट और नॉट? पार्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस। डेटर सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस, अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस having limited scale of operations, having limited scale of operation, having limited scale of operations, इसका मतलब है कि दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस विच आर क्वाइट स्मॉल एंड हूज व्हाट वी कॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन इज वेरी कन्फाइंड एंड वेरी लिमिटेड, करेक्ट। डेटर सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, इज एन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, इज एन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, incomplete accounting system.
अंडर दिस सिस्टम जैसा कि मैंने कहा, अंडर दिस सिस्टम एंटायर अकाउंटिंग is done in the books of head office. इसका मतलब है कि ब्रांच अपनी बुक्स में कोई भी अकाउंट नहीं बनाती है. फिर जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हेड ऑफिस prepares a branch account and just about maintains one sales ledger. सेल्स लेजर का बेसिकली मतलब क्या होता है? सेल्स लेजर का मतलब होता है ledger of credit customers, जिनको हमने क्रेडिट में सामान बेचा होता है, क्रेडिट कस्टमर्स. और क्रेडिट कस्टमर्स का क्या मतलब होता है? डेटर्स. यानी कि इस सिस्टम में हेड ऑफिस अपनी बुक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता है और एक ही लेजर मेंटेन करता है. और उस लेजर को हम क्या बोलते हैं? सेल्स लेजर. और अकाउंट्स में सेल्स लेजर का मतलब है लेजर ऑफ क्रेडिट कस्टमर. यानी कि क्रेडिट कस्टमर का मतलब हो गया डेटर्स. तो कुल मिलाकर के इसका मतलब हो गया कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड केवल ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करता है और डेटर्स से रिलेटेड लेजर मेंटेन करता है. इज इट क्लियर टू यू? इसका इनडायरेक्टली मतलब यह भी हो गया कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड कोई भी और रियल अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, कोई भी और नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं करता है. करेक्ट. इसीलिए इस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि यह फुल फ्लैट डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, इट्स एन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम. यहां तक ठीक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? इसको जल्दी से नोट करें अगर किसी ने नोट नहीं करा है तो. और बड़ा साफ सुथरा काम होना चाहिए. नीट रजिस्टर आप मेंटेन करें और अभी से नीट काम करने की आदत आपकी होनी चाहिए. अब थोड़ा सा हम ये देखें कि डेटर सिस्टम में अकाउंटिंग कैसे होती है. वैसे तो तुम्हें थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी यहां तक सबने लिख लिया है? ये पार्ट मिटा दूं? ओके. अगर आप कह रहे हैं तो मिटा देते हैं. नाउ अकाउंटिंग अंडर डेटर सिस्टम, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक. अकाउंटिंग accounting aspects under data system. Under data system.
डेटर सिस्टम में आप लोगों को मुझसे ज्यादा बेहतर मालूम है कि सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होती है, और यह बात अब मैं कई बार कह भी चुका हूं, करेक्ट। अब हमने यह देखना है कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड किस तरीके से ब्रांच अकाउंट बनाता है। पहले तो मैं लिखूंगा बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आपने हेड ऑफिस की बुक्स में क्या क्या बनाया? हेड ऑफिस की बुक्स में अभी अभी हमने लिखा कि एक तो ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ब्रांच अकाउंट। यहां तक ठीक? एक तो ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है हेड ऑफिस की बुक्स में। और ब्रांच अकाउंट के अलावा एक तो ब्रांच अकाउंट और दूसरा मैंने कहा हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड एक डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। मैंने कहा वैसे तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि ब्रांच अकाउंट कैसे बनाते हैं, और तुम्हें अच्छी तरह से यह भी मालूम है कि डेटर्स अकाउंट भी कैसे बनाते हैं। ग्रुप वन में आपने बहुत बारी डेटर्स अकाउंट बनाया है, सेल बैलेंसिंग लेजर में, सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो अब जरा इसमें देखें कि किस तरीके से ये बनाए जाते हैं, करेक्ट। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले तो जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा, इसके सहारे मैं तुम्हें दो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, और दूसरा एक अकाउंटिंग ईयर में एक हेड ऑफिस और ब्रांच के दरमियान क्या ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है, करेक्ट। सपोज करंट ईयर में हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ गुड्स भेजे, तो पहले तो आप अपने आप को क्या समझें, यू आर चीफ अकाउंटेंट ऑफ हेड ऑफिस, नॉट ब्रांच ऑफिस। सारी अकाउंटिंग आप जो कर रहे हैं हेड ऑफिस की बुक्स में कर रहे हैं। हेड ऑफिस की बुक्स में आप ब्रांच के एंगल से अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सारी अकाउंटिंग जो हो रही है वो हेड ऑफिस की बुक्स में हो रही है। यहां तक ठीक? अब हेड ऑफिस की बुक्स में आप क्या लिखेंगे जब आप ब्रांच को गुड्स भेजेंगे? जब आप ब्रांच को गुड्स भेजेंगे तो आप यहां पर डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। आगे से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दूंगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, करेक्ट। यानी कि हमारी एंट्री क्या हो गई गुड्स को भेजने की, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा, सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेड ऑफिस सेंट 1 लाख वर्थ ऑफ गुड्स टू ब्रांच, या हेड ऑफिस सप्लाइड 1 लाख वर्थ ऑफ गुड्स टू ब्रांच, तो उसकी एंट्री हो गई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब मान लेते हैं कि हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है और ब्रांच जो है वो बैंगलोर में है। हेड ऑफिस इज इन दिल्ली एंड ब्रांच इज इन बैंगलोर। नाउ इट्स अ क्वाइट अ डिफरेंस। दिल्ली से हमने गुड्स सप्लाई करे, हम हेड ऑफिस हैं, बैंगलोर ब्रांच को। अब कई बारी गुड्स जो हैं अपनी डेस्टिनेशन में इतना लंबा फासला तय करने के बाद इस कंडीशन में पहुंचते हैं कि ब्रांच मैनेजर को लगता है कि शायद वो इन गुड्स को उस प्राइस पे नहीं बेच पाएगा जो कि हेड ऑफिस उससे एक्सपेक्ट करता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Sometimes goods reach the destination in such a mutilated condition that branch manager might feel that he would not be disposed them off at a price which is expected of him. तो कई बारी गुड्स अपनी मंजिल पर इतनी खराब हालत में पहुंचते हैं
कि ब्रांच मैनेजर को लगता है कि शायद इन गुड्स को वो उस प्राइस पर डिस्पोज नहीं कर पाएगा जो कि हेड ऑफिस उससे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में ब्रांच कई बारी गुड्स हमें रिटर्न कर देगी। तो कभी भी क्वेश्चन में दिया होगा कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हेड ऑफिस ने गुड्स ब्रांच को भेजे तो आपने यहां पर लिखा, जब ब्रांच ऑफिस हमें गुड्स वापस करेगी तो हमने क्रेडिट साइड में लिखना है, और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अकाउंट का जो टाइटल होगा वो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ही होगा, टाइटल चेंज नहीं करना है क्योंकि हम एंट्री रिवर्स कर देंगे। जब हमने गुड्स भेजे तो हमारी एंट्री थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब जब हम मतलब हेड ऑफिस ब्रांच से अब हम गुड्स रिसीव करेंगे तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, इसलिए टाइटल को चेंज नहीं करना है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, करेक्ट। और आप ब्रैकेट में लिखेंगे रिटर्न्स, अगर आप शो करना चाहते हैं रिटर्न्स। हम देखने की कोशिश ये कर रहे हैं कि एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में क्या पॉसिबल ट्रांजेक्शन हो सकती हैं और वो ट्रांजेक्शन ब्रांच अकाउंट में किस तरीके से रिफ्लेक्ट करी जाएंगी, करेक्ट। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे यह भी कहा कि ब्रांच से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, ब्रांच से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उसके लिए कैश जो है हेड ऑफिस भेजेगा, हेड ऑफिस विल सेंड द कैश टू ब्रांच। तो सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेड ऑफिस ने इस साल ब्रांच को 50,000 रुपए कैश भेजे, तो उसकी बड़ी सिंपल सी एंट्री, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्रांच के जितने भी खर्चे हैं, चाहे ब्रांच की एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो, चाहे ब्रांच के सैलरी या वेजेस का खर्चा हो, चाहे ब्रांच के इंश्योरेंस का खर्चा हो, चाहे ब्रांच का रेंट का खर्चा हो, तो इन खर्चों के लिए कैश जो है हेड ऑफिस भेजेगा, ब्रांच अपनी तरफ से कोई भी खर्चा नहीं करेगी। योर एंट्री विल बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ देयर इज येट अनदर वेरी सिंपल रूल, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ हेड ऑफिस, इफ यू विल गेट इंपार्टेड विद एनीथिंग यू विल पुट इट ऑन द डेबिट साइड, करेक्ट। अगर आप किसी भी चीज से जुदा होंगे तो उसको तो आपने डेबिट में लिखना है। ऑन द अदर हैंड अगर आप ब्रांच से कोई भी चीज रिसीव करेंगे तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब मेन चीज यह है कि ब्रांच मैनेजर का काम क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ब्रांच मैनेजर का बेसिक काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सेल करे, ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करे और ज्यादा से ज्यादा पैसा हमें भेजे। सपोज इस साल ब्रांच ने कैश सेल्स करी 4 लाख की और क्रेडिट सेल्स करी 6 लाख की, अब जो कैश सेल्स का पैसा है वो तो उसी वक्त मिल जाएगा, हमने कैश में गुड्स बेचे तो 4 लाख रुपीस हमें उसी वक्त मिल गए, लेकिन क्रेडिट में जो हमने गुड्स बेचे थे लेट अस से इस साल के अंत तक उसमें से केवल 3 लाख मिले और 3 लाख अभी नहीं मिले, नॉट रिसीव्ड, 3 लाख अभी नहीं मिले, करेक्ट। ये क्या है कैश सेल्स, और ये 3 लाख क्या है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। क्रेडिट सेल्स तो 6 लाख की हैं, लेकिन 3 लाख क्या है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब ध्यान क्या रखना है कि हम एक वर्ड यूज करेंगे रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस के 2 पहलू होते हैं, 1, एक तो होगा कैश सेल्स, एक तो होगा कैश सेल्स,
और दूसरा होगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, फ्रॉम डेटर्स। यहां पर मैंने यह नहीं लिखा है कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, रिमेंबर वन थिंग, मैंने यहां पर क्या लिखा है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। यानी कि अगर इस सिचुएशन को हम ले लें तो कैश सेल्स विल बी 4 लाख एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स विल बी 3 लाख। वी विल नॉट राइट कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, वी विल राइट कैश सेल्स एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। इज इट क्लियर टू यू? तो रेमिटेंसेस का प्रॉपर मीनिंग क्या हो गया? रेमिटेंसेस का मतलब है टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय द ब्रांच मैनेजर थ्रू कैश सेल्स एंड फ्रॉम डेटर्स एंड सेंड टू हेड ऑफिस। ये जो मैंने कहा ये पूरा मीनिंग है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब है कि ब्रांच मैनेजर ने कैश सेल से जो पैसा कलेक्ट करा, डेटर से जो पैसा कलेक्ट करा और उसके बाद ये पैसा हेड ऑफिस को भेज दिया, तो हम रिसीव करेंगे, इसको हम बोलेंगे रेमिटेंसेस। इज इट क्लियर टू यू? अब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस साल के एंड में ब्रांच मैनेजर के पास कुछ बैलेंस बच जाए। जैसा कि तुम लोगों को मालूम ही है बैलेंस कैरीड डाउन हम यहां लिखते हैं। अब जो बैलेंसेस पॉसिबली बचते हैं अधिकतर डेटर्स का, जैसे कि इसी केस में मैंने क्रेडिट में गुड्स बेचे थे 6 लाख के और 3 लाख रुपए का मेरे को कैश मिल गया, तो इसका मतलब इस साल के एंड में क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं, 3 लाख के। तो क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का हम यहां लिखेंगे। मैं तुम्हें खुद बताने की कोशिश भी करूंगा कि ये कैसे यहां पर आया। उसके बाद फिर जो बैलेंस देखने में आता है स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है गुड्स। जैसे कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे उसमें से कुछ गुड्स इस साल के अंत में नहीं बिक पाए तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, करेक्ट? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिटर्न हियर। वेट, अब जो ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, जब नेक्स्ट ईयर का ब्रांच अकाउंट बनेगा तो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन के रूप में लिखे जाएंगे, इजंट इट और नॉट? ये जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर जब ब्रांच अकाउंट बनेगा तो ओपनिंग बैलेंस के रूप में आएंगे। इसी तरीके से जो पिछले साल के बैलेंसेस थे वो ओपनिंग बैलेंस के रूप में यहां पर आएंगे, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन। ना ओपनिंग बैलेंस जनरली जो देखने में आता है डेटर्स, डेटर्स का एंड स्टॉक का। यहां तक जो मैंने तुम्हें चीजें बताई ये मोस्टली तुम लोगों को बीकॉम में कराया जाता है और मोस्टली कुछ लोगों ने ये चीजें पहले पढ़ी हुई होती हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी मैजिकल चीजें बताऊंगा जो कई बारी बुक्स कवर नहीं कर पाती, करेक्ट? मैंने कहा हेड ऑफिस की बुक्स में एक तो ब्रांच अकाउंट बनता है और ब्रांच अकाउंट को हम जब टैली करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर जो इधर आएगी उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। उसके अलावा हेड ऑफिस अपने बुक्स में डेटर्स अकाउंट भी बनाता है। डेटर्स अकाउंट का, डेटर्स अकाउंट जो है वो एसेट है। किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होता है, ये तुम्हें मुझसे ज्यादा बेटर मालूम है। इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस कैरीड डाउन ये हम यहां पर लिखते हैं, करेक्ट? डेटर्स एसेट है। डेटर्स क्या है? एसेट है। तुम्हें मालूम है कि अगर डेटर एसेट हैं, कोई भी चीज एसेट को बढ़ाती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। सपोज मैंने इस साल क्रेडिट में कुछ गुड्स बेचे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर्स बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ेंगे? बढ़ जाएंगे। तो हम क्रेडिट सेल्स डेटर्स अकाउंट की डेबिट में क्यों लिखते हैं बताने की जरूरत नहीं,
क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स जो है डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में आती है। अब डेटर्स जब हमें कैश देंगे, डेटर्स जब हमें कैश देते हैं तो डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा। इसी तरीके से कई बारी हम डेटर्स को लालच देते हैं कि आप वक्त से पहले हमें पे कर दो, उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। करेक्ट। सम टाइम वी गिव ए सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव टू द डेटर्स, वी ल्यूर देम, वी अट्रैक्ट देम टू पे बिफोर द ड्यू डेट, तो वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट देने से डेटर्स का बैलेंस कम होता है। कुछ डेटर्स क्या होते हैं, बदमाशी कर जाते हैं, बैड डेट्स, तो ऑफ कोर्स हमारा डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा। फिर है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स टू ब्रांच। देखो, ब्रांच ने कस्टमर को गुड्स बेचे, ब्रांच ने कस्टमर को गुड्स बेचे और कस्टमर ने वो गुड्स ब्रांच को वापस कर दिए, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट सेल्स की ऑपोजिट में आता है। करेक्ट। तो हम एक डेटर्स अकाउंट भी साथ साथ बनाते हैं। यहां तक ठीक। अब मैंने कहा था कि यहां तक की जो चीजें हैं, मैंने कोई नई चीज तुम्हें नहीं बताई। मोस्टली ये चीजें तुमने बीकॉम लेवल पे पढ़ी हुई होती है, इजंट इट और नॉट। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं कि जो मोस्टली हमने नहीं पढ़ी होती है। नाउ पे अटेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए लुक ओवर दीज थिंग्स। देखो, हमने ये अकाउंट बनाया और हमें बीकॉम लेवल पे बड़ी आसानी से पढ़ा दिया जाता है कि भी ये चीज यहां आएगी, ये यहां आएगी और बैलेंसिंग फिगर विल बी योर नेट प्रॉफिट। लेकिन कल आप जब इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि भई ये ब्रांच अकाउंट है और नेट प्रॉफिट ये कैसे आ गया, नेट प्रॉफिट, हाउ इट इज नेट प्रॉफिट। देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में ब्रांच अकाउंटिंग बहुत बारी यूज होती है। बड़ी आसानी से मैंने कह दिया, हां भाई इसको आप बैलेंस कर लो एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर आपको किसी को प्रूफ करना हो कि ये नेट प्रॉफिट निकला तो कैसे निकला, हाउ विल यू प्रूव इट, दिस इज ए ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन। मिलियन की तो वैल्यू खत्म हो गई है। तो धीरे धीरे हम इसमें पता करने की कोशिश करेंगे। अभी इसका आंसर मैं आपको दूंगा, यू विल हैव टू वेट फॉर ए लिटिल बिट ऑफ व्हाइल। नाउ सी हियर, दूसरी चीज, हम लोगों ने कभी यह सोचा नहीं है, हम बड़ी आसानी से यहां पर डेटर्स अकाउंट और स्टॉक अकाउंट लिख देते हैं। हकीकत तो यह है कि किसी दूसरे अकाउंट का बैलेंस, डेटर्स अकाउंट और स्टॉक अकाउंट, किसी दूसरे अकाउंट का बैलेंस किसी दूसरे अकाउंट में, ब्रांच अकाउंट में लिखना ही गलत है। यू कैन नॉट राइट किसी दूसरे अकाउंट का बैलेंस किसी दूसरे अकाउंट में लिखना, मैंने कहा बेसिकली पॉसिबल नहीं है और उसके बावजूद भी हम इसको यहां लिखते हैं। फिर तुमने यह भी गौर करा, ध्यान से देखते रहना है, तुमने ध्यान दिया कि ये जो आइटम्स हैं, डिस्काउंट, बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट सेल्स, ये मैंने डेटर्स अकाउंट में लिखे लेकिन मैंने ये ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखे। यू आर पेइंग अटेंशन और नॉट? तो बीकॉम लेवल में ये चीजें बड़ी तंग करती थी स्टूडेंट्स को। मैंने कई बार ये देखा है कि बड़े कंफ्यूज रहते थे स्टूडेंट, उनको प्रॉपर जवाब नहीं मिलते हैं। तो वन बाय वन हम लेंगे। फिर एक और कंफ्यूजन ये भी है कि ये आइटम मैंने यहां लिखा है कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ये जो कैश है ये कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है और ये आइटम मैंने यहां पर भी लिखा है। तो ये चीजें जरा हमें मालूम करनी है कि ये सब हो क्या रहा है। जरा ध्यान से देखिए। देखो, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं कि ये चीजें हमने सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही लिखी और ये ब्रांच अकाउंट में क्यों नहीं लिखी। पे अटेंशन, पूरी ब्रांच अकाउंटिंग में हमेशा तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है? एक तो हेड ऑफिस। पूरी ब्रांच अकाउंट में हमेशा तीन पार्टी इन्वॉल्व होंगी। वन इज हेड ऑफिस, करेक्ट।
एक तो हेड ऑफिस, उसके बाद एक है ब्रांच ऑफिस और एक है कस्टमर्स. क्या है? कस्टमर्स. ब्रांच अकाउंट में हमेशा तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है. पहले तो ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए. अब ध्यान से सुनिए, मैं एक ही बारी में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं. द क्वेश्चन इज कि क्या बात है कि डिस्काउंट बैड डेट्स और सेल्स रिटर्न और क्रेडिट सेल्स डेटर्स अकाउंट में आ रही है और ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आ रही. नाउ पे अटेंशन, आपकी कंफ्यूजन एक सेकंड में दूर कर देते. देखो होता क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन, गुड्स किसने बेचे? ब्रांच ने कस्टमर को बेचे, क्रेडिट सेल. इज इट क्लियर टू यू? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मतलब है जो गुड्स ब्रांच ने कस्टमर को बेचे, कस्टमर ने वो गुड्स ब्रांच को रिटर्न कर दी. ब्रांच ने जो गुड्स, ब्रांच ने जो सेल करी थी उसमें से कुछ पैसा नहीं मिला, दिस लॉस विल बी बॉर्न बाय ब्रांच. इसी तरह से ब्रांच जो डिस्काउंट देती है कस्टमर को कि आप टाइम से पहले पे कर दें, तो ये जो लॉस है ये भी ब्रांच के खाते में आएगा. ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स और डिस्काउंट, ये ट्रांजेक्शन ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में. कोई भी ट्रांजेक्शन जो ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में होगी वो ट्रांजेक्शन कभी भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? दैट इज द रीजन कि क्रेडिट सेल्स ब्रांच अकाउंट में मैंने नहीं लिखा, डिस्काउंट भी मैंने नहीं लिखा, बैड डेट्स भी नहीं लिखा और सेल्स रिटर्न भी नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा? अब ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम हो जाना चाहिए. यहां तक ठीक है या नहीं है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो प्रॉब्लम, फाइन. अब दूसरी चीज, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कई बार बीकॉम लेवल पे ये हम पढ़ते हैं लेकिन उतना डीपली हमें कई बार ये पता नहीं होता, और ये आईपीसीसी लेवल है, इसमें बहुत डीपली हमें पढ़ना है. दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो ओपनिंग बैलेंसेस हम यहां दूसरे अकाउंट के, डेटर्स अकाउंट के और स्टॉक अकाउंट के यहां दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? तो ये भी जरा समझना जरूरी है. टेक्निकली वैसे ये रॉन्ग है लेकिन हम फिर भी यहां पर दिखा रहे हैं. अब जरा समझने की कोशिश करें, मैं वन बाय वन आपको आंसर दे रहा हूं. देखो होता क्या है, टेक्निकली अकाउंट्स में प्रॉफिट तब तक कंप्यूट नहीं करा जा सकता, अकाउंट्स में प्रॉफिट तब तक कंप्यूट नहीं करा जा सकता जब तक कि मैं सेल्स ना लिखूं. यानी कि अगर मेरे को प्रॉपर प्रॉफिट कंप्यूट करना है तो मेरे को कैश सेल्स भी लिखनी पड़ेगी और मेरे को क्रेडिट सेल्स भी लिखनी पड़ेगी. मेरे पास सेल्स की फिगर होनी चाहिए. इज इट क्लियर टू यू? अगर मेरे को प्रॉफिट फाइंड करना है तो टेक्निकली मेरे पास सेल्स भी होनी चाहिए, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी होनी चाहिए. करेक्ट? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है. फिर उसके बाद मेरे पास एक्सपेंसेस की फिगर भी होनी चाहिए. और एक्सपेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं कैश एक्सपेंडिचर जैसे रेंट, सैलरी वगैरह, और एक होते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर. नॉन कैश एक्सपेंडिचर जैसे कि डेप्रिशिएशन. अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दूं और एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो तब जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा मैं कह सकता हूं कि ये नेट प्रॉफिट है. नाउ द क्वेश्चन इज, यहां हमने ये कह दिया बड़ी आसानी से कि ये नेट प्रॉफिट है, तो ये नेट प्रॉफिट कैसे है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट. अगर मैं इस तरीके से प्रॉफिट कंप्यूट करना चाहता हूं तो मेरे को एक कॉम्प्रेहेंसिव, वास्ट एंड ह्यूज डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा. यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इफ आई इंटेंड टू कंप्यूट द प्रॉफिट थ्रू दिस मैनर, through this fashion, then I need to be a very large organization. I need to have huge amount to invest because it's a very costly affairs. Hum badi aasani se keh dete hain double entry accounting system,
लेकिन हकीकत तो यह है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को एडॉप्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए. नाउ इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ कॉफी और टी, व्हाट एवर यू मे लाइक टू से. तो हर ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को एडॉप्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता. इज इट क्लियर टू यू? कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर वो इसको एडॉप्ट नहीं कर सकता. अब मैं छोटा ऑर्गेनाइजेशन हूं, यहां तक ठीक. दैट मीन ये जो सिस्टम है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, दैट डस नॉट फॉल विद इन माई व्हाट वी कॉल एम्बिट. ये मेरे एम्बिट में नहीं है, मेरी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है. मैं इस सिस्टम को एडॉप्ट नहीं कर सकता. और देखो, अब मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, अब एक फाइव स्टार में नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक बहुत सस्ते से होटल में चले जाऊंगा, या रोड के किनारे, दिल्ली में यहां पर बहुत रेड़ी होती है, बॉम्बे में भी होंगी, बेंगलोर में भी होंगी, तो रोड के किनारे जो रेड़ी वगैरह लगती है, हम उसमें जाकर के खाना खा लेते हैं. वी नो कि टेक्निकली यहां खाना ठीक नहीं है, बड़ा अनहाइजेनिक भी है, वो भी है, लेकिन क्या करें, हमें भूख लग रही है. हमारा मिशन क्या है? हमारे को अपने पेट की भूख को शांत करना है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट? बिकॉज माई अफोर्डेबिलिटी इज नॉट अलाउइंग मी टू गो टू ए फाइव स्टार होटल. सिमिलरली फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, अफोर्डेबिलिटी इज द बिग फैक्टर. ये एक बड़े अकाउंटिंग सिस्टम को एडॉप्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो. अब वन बाय वन करके आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर देना. मैंने क्या इस अकाउंट के अंदर कैश सेल्स लिखी हैं? ध्यान से देख करके बताएं कि ब्रांच अकाउंट के अंदर मैंने कैश सेल्स लिखी हैं या नहीं लिखी हैं. लिखी है, फाइन, यानी कि मैंने कैश सेल्स लिख दी है. तो कैश सेल्स तो हमने लिख दी है. अब मुझे यह बताओ, क्या हमने इसके अंदर क्रेडिट सेल्स लिखी है या नहीं लिखी? सर, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स लिखा है, लेकिन यह क्रेडिट सेल्स तो नहीं है बेटा. क्या मैंने इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट सेल्स लिखी है या नहीं लिखी? नहीं लिखी है मैंने, डायरेक्टली तो नहीं लिखी, क्योंकि नजर तो कहीं भी नहीं आ रही, करेक्ट. लेकिन अब ध्यान से सुनो, सपोज ओपनिंग डेटर्स 1 लाख के, कितने हैं? 1 लाख के. क्रेडिट सेल्स 4 लाख की. कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 3 लाख का है, एंड बैलेंस कैरीड डाउन इज 2 लाख, करेक्ट. नाउ जस्ट हैव ए लुक हियर. अगर ओपनिंग डेटर्स 1 लाख के हैं, ध्यान देना है, तो मैं ओपनिंग डेटर्स में 1 लाख लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? आई विल राइट हियर 1 लाख. I will write 1 lakh here and here also. Cash receipt from debtors, I will write here cash receipt from debtors 3 lakhs, correct. और जो closing debtors हैं वो मैं कहां लिखूंगा? Closing debtors में यहां पर लिखूंगा 2 lakh, but I will not write credit sales here. Now difference of all these 3 things is equal to credit sales. You are getting my point or not? अब आपकी समझ में 2 बातें आनी चाहिए कि credit sales को यहां पर लाने के लिए हमें opening और closing debtors इसमें लिखने पड़ते हैं. I am trying to find out answer for 2 questions. कि एक तो ये opening और closing debtors यहां क्यों लिखते हैं, और दूसरा ये net profit कैसे आ रहा है इस account से, correct? तो जब मैंने यहां पर 1 लाख लिखा, यहां पर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स लिखा और क्लोजिंग डेटर्स लिखा, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली इसके अंदर हमने क्रेडिट सेल्स को लिख दिया. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यानी कि अब हम कह सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स को भी लिख दिया.
यहां तक ठीक? इज इट क्लियर टू यू? तो हमने इस अकाउंट के अंदर कैश सेल्स भी लिख दी और क्रेडिट सेल्स भी लिख दी। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। अब आपने इसको जब लिख दिया, नेक्स्ट सिचुएशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सपोज आप ब्रांच हैं और मैं हेड ऑफिस हूं, आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 100 रुपए का, पिछले साल का जो मैंने गुड्स भेजा था करंट ईयर में, उसमें से कुछ बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है। मैंने आपको इस साल गुड्स भेजे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, मान लेते हैं मैंने 1500 के गुड्स आपको भेजे, करेक्ट? 1500 के गुड्स मैंने आपको भेजे, तो आप क्या हैं? ब्रांच। जब मैंने भेजे तो एक तरीके से आप मुझसे परचेज कर रहे हैं, या आपके लिए एक तरीके से परचेजेस है। तो आपके पास टोटल अवेलेबल गुड्स कितने हो गए? 1600। टोटल अवेलेबल गुड्स इज इक्वल टू 1600, करेक्ट? अब 1600 के जो गुड्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनमें से आपने क्या कर दिया, लेट अस से 200 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। आपके पास अब कितने गुड्स नेट अवेलेबल हैं? 1400। 1400 में से आपने 1300 के गुड्स लेट अस से बेच दिए, तो आपके जो 1300 के गुड्स को बेच दिया, अब बेचा आपने कितने भी प्राइस पर हो सकता है, पर आपके पास जितने भी गुड्स थे उसमें से आपने 1300 के गुड्स बेच दिए, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 100 बचा। ये 1300 क्या है? दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी आपने बेचा, जितने में भी बेचा, ये उनकी कॉस्ट है। आपके पास 100 रुपए के गुड्स पहले से है, 1500 के गुड्स मैंने आपको और भेजे या आपने मुझसे परचेजेस करे, तो आपके पास टोटल गुड्स कितने? 1600 है। 1600 के गुड्स में से आपने 200 के मेरे को रिटर्न कर दिया, आपके पास 1400 के गुड्स है, और 1400 में से 1300 के गुड्स आपने बेच दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 100 है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। जब हम ओपनिंग स्टॉक यहां लिखते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच यहां लिखते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स यहां लिखते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखते हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू पुट इन दिस अकाउंट, वी आर ट्राइंग टू पुट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, व्हाई वी आर राइटिंग हियर। देखो, आपको सिर्फ यही नहीं मालूम होना चाहिए इस लेवल पे कि ये आइटम यहां आता है, बिग क्वेश्चन इज व्हाई, व्हाई डज इट कम हियर, व्हाई डज इट फाइंड प्लेस हियर, दैट्स द मेजर क्वेश्चन। सो ओपनिंग स्टॉक आपने यहां लिखा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट यहां लिखा, गुड्स सेंड टू ब्रांच यहां लिखा और क्यों लिखा, और क्लोजिंग स्टॉक यहां क्यों लिखा? तो इस बात के आंसर्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप किसी तरीके से इस अकाउंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लाना चाहते हैं। इज इट क्लियर? तो अब मैं कह सकता हूं कि मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मैंने लिख दी, तो इसका मतलब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इज इट क्लियर टू यू? अब जितने भी खर्चे हैं, कैश एक्सपेंडिचर, वो तो यहां पर आप लिखते ही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास कोई प्लांट का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो प्लांट का ओपनिंग बैलेंस यहां लिखते हैं, या फर्नीचर का बैलेंस यहां लिखेंगे, और प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस यहां लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हम अलग से प्लांट अकाउंट नहीं बना रहे। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, इसमें आप मतलब हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड केवल ब्रांच अकाउंट बना रही है और डेटर्स अकाउंट बना रही है, इसके अलावा कोई और अकाउंट नहीं बन रहा, कोई और रियल अकाउंट नहीं बन रहा, कोई और नॉमिनल अकाउंट नहीं बन रहा। अगर तो मैं रियल अकाउंट बना रहा होता तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं डेप्रिसिएशन डायरेक्टली यहां लिख सकता था, लेकिन मैं कोई और दूसरा अकाउंट नहीं बना रहा, तो अब मुझे किसी तरीके से यहां नॉन कैश एक्सपेंडिचर लाने हैं। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर लाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि प्लांट का ओपनिंग बैलेंस जो है
वो 4 लैक्स का है और प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस 3.80 लैक्स का है, यानी कि हम 20,000 का डेप्रिशिएशन दिखाने के लिए प्लांट को यहां लिख रहे हैं. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो अब तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि एक तो दूसरे अकाउंट के बैलेंसेस हम यहां क्यों लिखते हैं, नंबर वन, और इस अकाउंट से ये नेट प्रॉफिट कैसे आ गया. तो हमने इस अकाउंट के अंदर इनडायरेक्टली इसी तरीके को फॉलो करा है. इज इट क्लियर टू यू? यानी कि इसके अंदर हमने कैश सेल्स भी लिखी और क्रेडिट सेल्स भी लिख दी इनडायरेक्टली. इसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लिख दी तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. हमने इसके अंदर कैश एक्सपेंडिचर भी लिखा और नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी लिखा तो हमारे पास फिर नेट प्रॉफिट आ गया. तो इस लेवल पे तुम्हें ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि हर आइटम यहां पर जो आ रहा है उसके आने की वजह क्या है, वो क्या शो करता है, व्हाट्स एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, हाउ कम दिस इज नेट प्रॉफिट. नाउ यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू प्रूव इट. तो आपको पता लग गया कि ये नेट प्रॉफिट कैसे आया है. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी उन अकाउंटेंट की जिन्होंने ये सिस्टम्स डेवलप करे. तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका करके देखें. पेज नंबर आप ओपन करिए 68, ए वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 वी विल पिक अप फॉर यू फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8 ये है आपका, पेज नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर इज 68. करेक्ट. बड़ा एलिमेंट्री क्वेश्चन है. कह रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट. कभी भी क्वेश्चन में लिखा होगा प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट, इसका मतलब है कि आपको डेटा सिस्टम फॉलो करना है. कह रहा है गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट. हेड ऑफिस में ब्रांच को 50,000 रुपए के गुड सप्लाई करें. तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे वेरी सिंपल, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट हाउ मच, 50,000. तो आपने 50,000 रुपए के गुड्स ब्रांच को भेजे. कह रहे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट कॉस्ट. हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे, ब्रांच ने वो गुड्स हमें रिटर्न कर दिए. तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स, ब्रैकेट में रिटर्न्स 3,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए. फिर कह रहे ब्रांच क्रेडिट सेल्स. अभी अभी मैंने बताया था कि क्रेडिट सेल्स ये जो ट्रांजेक्शन है ये ब्रांच के बीच में और कस्टमर के बीच में है. कोई भी ट्रांजेक्शन जो ब्रांच और कस्टमर के बीच में होगी वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी.
51,000 वो डेटर्स अकाउंट में आएगी, क्रेडिट सेल्स करने से डेटर्स बढ़ जाती है। फिर कह रहे कैश सेल्स एट ब्रांच 2,500। अब हमें मालूम है कि ये रेमिटेंसेस का पार्ट है, रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस में कैश सेल्स, कैश सेल्स जो है वो 2,500 की, करेक्ट। फिर उसके बाद उसने क्या लिखा, उसके बाद उसने लिखा कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच 45,000। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। देखो वो कह रहा है कि ब्रांच ने इतना कैश रेमिट करा। हमें मालूम है कि रेमिटेंसेस के दो पहलू होते हैं। वो कह रहा है कि टोटल रेमिटेंसेस 45,000 की, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन कि ब्रांच ऑफिस ने हेड ऑफिस को 45,000 रुपीस रेमिट करे। अब हमें मालूम है कि रेमिटेंसेस के दो पहलू होते हैं, एक तो होता है कैश सेल्स। नाउ कैश सेल्स इज इक्वल टू 2,500, इजंट इट और नॉट? इट मीन्स कैश फ्रॉम डेटर्स मस्ट बी इक्वल टू 42,500। तो इस क्वेश्चन में हमने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स निकाल लिया, हमें ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है। इट मीन्स कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स इज 42,500। कैश फ्रॉम डेटर्स is 42,500। अब जो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर से ध्यान रखना है कि वो डेटर्स अकाउंट में भी आता है। कैश फ्रॉम डेटर्स दैट इज इक्वल टू 42,500। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। देखो इस लाइन पे भी स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज करते हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस को आपने कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है? एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे नहीं करना। इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा और ब्रांच ने खर्चे करे, तो इस लाइन को आप इस तरीके से पढ़ेंगे, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस का मतलब है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा और ब्रांच ने ये खर्चे करे। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा 10,000 रुपीज का, आप यहां पर लिखेंगे टू कैश एक्सपेंसेस 10,000। फिर उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर बाय ब्रांच। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, ये ट्रांजेक्शन ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में, तो ये ट्रांजेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आएगी। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच एट कॉस्ट। जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, बैलेंसेस स्टॉक, अब जो स्टॉक का बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है वो 17,000 रुपए का दिया हुआ है, 17,000। उसके बाद दिया है ब्रांच डेटर्स का बैलेंस, तो डेटर्स का बैलेंस 7,700 और डेटर्स अकाउंट में भी ये बैलेंस लिखा जाता है 7,700, करेक्ट। अब जब आप टैली करेंगे तो मेक श्योर कि डेटर से रिलेटेड सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेटर से रिलेटेड सारी चीजें नहीं होंगी तो आप क्रेडिट सेल्स यहां पर शो नहीं कर पाएंगे। क्लोजिंग डेटर्स हैं, हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी है, लेकिन ओपनिंग डेटर्स नहीं है। तो जो मिसिंग फिगर है
वो यहां से निकल आएगी। अब आप इसको टैली करेंगे तो ये टोटल आ रहा है 52,000 में से 51,000 हमने माइनस कर दिए, तो ओपनिंग बैलेंस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आप यहां पर लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन डेटर्स डेट इज इक्वल टू 1000, करेक्ट। तो अब ओपनिंग डेटर्स भी हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी हैं और क्लोजिंग डेटर्स भी हैं। अब आप आराम से अपना नेट प्रॉफिट कंप्यूट करें। नेट प्रॉफिट, जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो आप लिखें, नेट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 11,700, योर बैलेंसिंग फिगर। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को भी अब आप जरा नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? बिग ब्रदर्स आर हैविंग देयर हेड ऑफिस एट दिल्ली एंड ब्रांच एट कोलकाता। द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन ऑफ द हेड ऑफिस विद द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31st of August 2002। स्टॉक एट द ब्रांच इन द बिगनिंग या एज ऑन 1/9/2001 इज 30,800। तो सबसे पहले तो आपने ओपनिंग स्टॉक को लिखा, ओपनिंग स्टॉक इज 30,800, दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक 30,800। वी आर पिकिंग अप क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज योर पेज नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 67, करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक इज 30,800, then he has given to you balance of debtors 16,500. So debtors ka jo balance hai aap aram se yahan par likhein 16,500. jaisi aapne debtors ka balance likha aapko yaad aana chahiye ki aap debtors account bhi bana rahe ho aur debtors account mein bhi ye balance aata hai, correct। डेटर्स के बाद है पेटी कैश, ये एक नई चीज है पेटी कैश, हालांकि सब लोगों को इसका मीनिंग मालूम है पेटी कैश। पेटी कैश है 500 रुपीज। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ब्रांच से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे उसके लिए कैश हेड ऑफिस भेजेगा,
लेकिन अब मान लो ब्रांच जो मेरी बैंगलोर में है वहां कोई क्लाइंट आया, अब उसको थम्सअप लानी है। अब हम हेड ऑफिस को फोन तो नहीं करेंगे कि क्लाइंट आया उसको थम्सअप लानी है, आप 10 रुपए हमें भेजें, इट इज नॉट पॉसिबल। या हमने कोई रेवेन्यू स्टैम्प खरीदना है, एवरी टाइम वी कैन नॉट व्हाट वी कॉल आस्क हेड ऑफिस टू सेंड कैश फॉर सच पेटी थिंग्स, करेक्ट? तो इसीलिए हेड ऑफिस एक जनरल पॉलिसी क्या अपनाता है कि इस तरह के छोटे मोटे एक्सपेंसेस निपटने के लिए वो ब्रांच के पास कुछ कैश छोड़ देता है, जिसको कि तुम सब लोगों को मालूम है हम पेटी कैश कहते हैं। तो पेटी कैश का मतलब है कि ब्रांच मैनेजर के पास छोटे मोटे एक्सपेंसेस निपटने के लिए रखा गया कैश। याद ये रखना है कि पेटी कैश वैसे रियल अकाउंट होता है और इस सिस्टम में हम अलग से रियल अकाउंट बनाते नहीं हैं। फिर है गुड सप्लाई टू ब्रांच। 151,200 के गुड्स आपने इस साल ब्रांच को भेजे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 151,200, करेक्ट? फिर कह रहे हैं रेमिटेंसेस फ्रॉम ब्रांच, तो तुम्हें अब की बार दिया ही हुआ है रेमिटेंसेस, कैश सेल्स। कैश सेल्स का जो अमाउंट है वो है 10,500। और उसके बाद है रियलाइजेशन ऑफ डेब्ट्स। रियलाइजेशन ऑफ डेब्ट्स का मतलब है कैश फ्रॉम डेटर्स। रियलाइजेशन ऑफ डेब्ट्स का मतलब है कैश फ्रॉम डेटर्स। कैश फ्रॉम डेटर्स इज 157,740. अब जो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है वो यहां पर भी आता है 157,740, करेक्ट? उसके बाद फिर है अमाउंट सेंड टू ब्रांच फॉर सैलरी रेंट एंड पेटी एक्सपेंसेस। तो इस साल हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा, किस किस चीज के लिए कैश भेजा? एक तो हमने सैलरी के लिए कैश भेजा, सैलरी के लिए 7,440 का कैश भेजा। कितने का? 7,440 का। और हमने रेंट के लिए कुछ कैश भेजा है, रेंट के लिए 2,400 का। और हमने कैश भेजा है पेटी कैश के लिए, कैश जो भेजा है और पेटी कैश जो भेजा है वो 3,000 का भेजा है। हेड ऑफिस ने इस साल इतना कैश भेजा है, करेक्ट? फिर कह रहा है पेटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मैनेजर, थोड़ा इसका भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। देखो जब मैं बाद में बैलेंस कैरीड डाउन लिखूंगा तो बैलेंस कैरीड डाउन पेटी एक्सपेंसेस का, सॉरी पेटी कैश का बड़े ध्यान से लिखना है। दरअसल जो पेटी कैश है वो रियल अकाउंट है। ब्रांच मैनेजर, तुम ब्रांच मैनेजर हो, तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है? पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस आपके पास 500 रुपीज का है, करेक्ट? इस साल हेड ऑफिस ने आपको पेटी कैश 3,000 रुपए का और भेजा, सेंट। तो आपके पास 3,000 रुपए का और पेटी कैश भेजा, तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस अब 3,500 होना चाहिए। इस 3,500 में से आपने कुछ पेटी एक्सपेंसेस कर दिए। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब है अमाउंट स्पेंड। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब है कि आपने इतना खर्च कर दिया। पेटी एक्सपेंसेस 2,750, करेक्ट? तो इसका मतलब आपके पास पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 2,750, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दरअसल आप जो है
पेटी एक्सपेंसेस दिखाना चाहते हो, लेकिन मैं पेटी एक्सपेंसेस डायरेक्टली नहीं दिखा सकता। जैसे मैं डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि मैं अलग से कोई रियल अकाउंट नहीं बना रहा। बिकॉज मैं अलग से पेटी कैश अकाउंट नहीं बना रहा। अगर मैं अलग से पेटी कैश अकाउंट बना रहा होता तो मैं डायरेक्टली यहां 2750 लिख सकता था पेटी एक्सपेंसेस। लेकिन हम प्रॉब्लम यह है कि डेटा सिस्टम में अलग से रियल अकाउंट बनाते नहीं है। तो यही वजह होती है कि पेटी एक्सपेंसेस को यहां शो करने के लिए हम क्या करते हैं। ध्यान से देखो, ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का यहां लिखा और जितना भी पेटी कैश आपने भेजा वो यहां लिखा 3500, करेक्ट 3500, और क्लोजिंग बैलेंस आपने यहां लिखा। तो इसका मतलब 3500 माइनस 750 इनडायरेक्टली आप यहां पर क्या दिखा रहे हैं? 2750 दिखा रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो पेटी एक्सपेंसेस का मतलब है अमाउंट स्पेंट बाय ब्रांच मैनेजर आउट ऑफ पेटी कैश अवेलेबल विद हिम। इज इट क्लियर टू यू? तो पेटी एक्सपेंसेस को ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंस भी बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एक्सपेंसेस एंड ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंस। तो ब्रांच मैनेजर के एक्सपेंस का मतलब है पेटी एक्सपेंसेस, करेक्ट? तो पेटी एक्सपेंस दिखाने के लिए पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस हम यहां लिखेंगे, जितना भी पेटी कैश हमने भेजा वो यहां पर लिखेंगे, और पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस यहां पर लिखा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो पेटी कैश का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद फिर दिया है क्लोजिंग स्टॉक 23,150, क्लोजिंग स्टॉक 23,150। क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपको सन्ड्री डेटर्स भी दिया हुआ है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स हैं आपके 50,460, करेक्ट? अब सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि डेटर से रिलेटेड सारी चीजें हैं। ओपनिंग डेटर्स हैं, क्लोजिंग डेटर्स है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी है। अगर डेटर से रिलेटेड सारी चीजें हैं तो आप ब्लाइंडली पहले इसको टैली कर सकते हो। 30,760 will be your net profit. Will be your net profit. Correct? जो क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का वो यहां पर भी लिखा जाएगा 50,460। इस क्वेश्चन में कोई डिस्काउंट नहीं था। तो अब आपकी जो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी दैट विल बी क्रेडिट सेल्स। तो आई थिंक इट विल बी इक्वल टू 1917 प्लस 50,460 माइनस 16,500, सो 1917, करेक्ट? तो जब क्वेश्चन में पेटी कैश हो तो थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस यहां लिखेंगे, क्लोजिंग यहां लिखेंगे, और जितना भी पेटी कैश भेजा वो यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद यू शुड बी इन ए पोजिशन टू डू नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट? तो ये क्वेश्चंस आप कर लीजिए, बाकी फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।